शुक्ला की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में तोड़ फोड़, शीशे तोड़ दिए। टीआईसी लाहौर के डॉक्टर्स काम छोड़कर अस्पताल से बाहर निकल आए। वुकला की शदीद तोड़ फोड़ और हंगामा आ रहा है। अमला अपनी जान बचाने के लिए अपने ड्यूटी छोड़कर भाग गया। बहुत से मरीजों की हालत तशवीशनाक, इमरजेंसी तक की इमलाक को नुकसान। डॉक्टर्स पैरा मेडिकल स्टाफ में काफी सारे जख्मी हो गए। पीआईसी के बाहर वुकला की फायरिंग, वुकला का पुलिस पर हमला, पुलिस की दो गाड़ियां जला दी गयी। फयाजुल हसन चौहान पर वुकला का हमला, शदीद तशद्दुद। वुकला को वापस जाना चाहिए, अस्पताल मैदान जंग बना हुआ है। एतजाज एहसन, बेचारे शरीफ वुकला पंजाब इंस्टीट्यूट अस्पताल लाहौर में अमन कायम करते हुए। कराची के इलाके बफर जोन सेक्टर 15B में एक बार फिर डकैती की वारदात। सीसीटीवी में डकैतों को लूटा मारी करते हुए देखा जा सकता है। एक बहादुर शहरी ने डकैतों पर फायरिंग शुरू कर दी, डकैत भागने में कामयाब। फायरिंग के नतीजे में पास खड़ी गाड़ी के शीशे टूट गए। तामीरात के शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए अच्छी खबर, SBCA की जानिब से जमीन तब्दीली वाले प्लॉट पर नक्शों की मंजूरी दी जाएगी, नोटिफिकेशन जारी। रिहायशी प्लॉट से तिजारती में तब्दील होने वाले प्लॉट पर कमर्शियल नक्शा मंजूर किया जाएगा। DG SBCA जफर एहसन ने पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। साबिक DG SBCA इफ्तखार कायम खानी ने एक साल कबल रिहायशी से कमर्शियल में तब्दील कराए गए प्लॉट की मंजूरी पर पाबंदी लगाई थी। कोरंगी सेक्टर 35B प्लॉट C1 पर KDA कोरंगी ने कार्रवाई की थी, जिस पर इलाका मकीन KDA के सामने खड़े हो गए और काफी लड़ाई झगड़े के बाद KDA अपनी कार्रवाई न कर सकी। XCN कोरंगी ने आज JD न्यूज से बात की। सब मौजूद हैं हम KDA कोरंगी में और यहाँ पे आपने देखा था पहले भी हम एक जगह पहुंचे थे जहाँ पे KDA कोरंगी जो किसी प्लाट की तलाश में गई थी तो वहाँ पे हमने देखा था एक वायलेशन हो गई थी, आवाम जमा हो गई थी और KDA को अपना काम नहीं करने दिया गया था। तो आज हम XCN साहब के पास मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि आया वहाँ पर ये जब गए थे तो किस मद में गए थे और क्या काम था और इनको किस मुश्किल का सामना करना पड़ा। क्या आया वो काम जेन्युइन था या फेक काम था जो KDA के ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, आज हम बात करते हैं, इसकी तरदीद लेते हैं। XCN कोरंगी जनाब रशीद शेख साहब से आइए बात करें। जी जनाब अस्सलामुअलैकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग गए थे प्लॉट नंबर 35B वहाँ का जो सेक्टर है और C1 प्लॉट पे गए थे हम लोग, वहाँ पे जो है ना सर्वे करने, फिर उसकी डिमार्केशन देनी थी। हमें एप्लीकेशन आई कि भाई बहुत टाइम हो गया, हमें जो है ना हमें प्लॉट जो है ना हमें उसकी डिमार्केशन दी जाए। तो हमने SSP साहब को भी खत लिखा और उनको भी लेटर लिखा, अपना SHO साहब को भी। तो हम लोग फिर जब साइड पे गए तो वहाँ पे जब हम लोग सर्वे करने लगे तो वह आउटसाइडर वहीं के आ गए और उन्होंने हमें बलवा कर दिया वहाँ पे हमारे बंदों के ऊपर, फायरिंग भी की और गलत जो है ना वो बातें करते रहे, जिसकी वजह से जो है ना हमें काम करने में नहीं दिया और हमारे KDA के काम में उन लोगों ने मुदाखलत की, जिसकी वजह से हम वो उनको सर्वे नहीं दे पाए और मकामी लोगों ने जो है ना पथराव भी किया, जिसकी वजह से हम वापस आ गए। जो हकीकत थी वो जो है ना काफ़ी मीडिया लोग जो है ना वो उसको गलत शो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि हमारी आपसे गुजारिश है कि उसको जो है ना सही सही ब्रीफ किया जाए और जो भी काम हो उसको हकीकत बयान किया जाए। आपके पास कागजात मौजूद हैं? जी हमारे पास पूरे कागजात मौजूद हैं उनके, और जो है ना उनकी एप्लीकेशन भी मौजूद है, उनके प्लाट अलॉटमेंट मौजूद है, उनका साइट प्लान मौजूद है हमारे पास, सारे प्लाट, जिसकी वजह से हम पूरी वेरिफिकेशन करा के फिर जाते हैं साइडों पे, वरना इस तरह हम नहीं जाते। जब साइड पे गए तो फिर वो मकामी लोगों ने जो है ना मलबा कर दिया। आपने देखा जनाब ये KDA मौजूद हैं यहाँ पर और इन्होंने अपने वाज़ी अल्फाज में बता दिया कि वो एक जेन्युइन काम था, जेन्युइन कागजात मौजूद, जेन्युइन पार्टी मौजूद है, जिसकी हम सर्वे पे गए मालूमात करने गए कि वहाँ प्लॉट मौजूद है तो उसको हम डिमार्केशन दे सके, लेकिन क्योंकि वहाँ वायलेशन हो गई और KDA को मजामत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से KDA डिमार्केशन नहीं दे सकी। उसके बाद कुछ
खबरें उल्टी सीधी चलने लग गई। तो एक्सन साहब का कहना है कि जिसको भी शिकायत है और किसी को लगता है कि हम दो नंबर काम करने गए, तो वो केडी ऑफिस आके उसकी वेरिफिकेशन कर लें कि हम एक नंबर काम के लिए गए थे, दो नंबर काम करने हम नहीं गए थे। तो सबके लिए दरवाजे खुले में केडी आए और उन पेपर्स को चेक कर लें जिसके लिए वो गए थे। ठीक है, शुक्रिया।